हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, हम लोग PSIR ऑप्शनल को डिस्कस कर रहे हैं एंड इसमें हम लोगों ने पेपर नंबर 1 पार्ट ए को डिस्कस कर रहे हैं। उस पर हम लोग अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। गाइस गाइस, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है कि मेरा कोर्स 1 फरवरी से अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च हो रहा है। कंप्लीट PSIR ऑप्शनल को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग विथ पेपर नंबर 1 पार्ट बी, यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन देन डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड द PSIR क्लब टू गेट 10% ऑफ। ऑल्सो गाइज, कल 11 बजे देर इज अ स्पेशल क्लास एंड द स्पेशल क्लास इज ऑन कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये PSIR ऑप्शनल के लिए मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो डू ज्वाइन मी लाइव एट 11 AM टुमारो। ये बहुत अच्छी क्लास होगी। कंप्लीट 1 आवर हम लोग डिस्कस करेंगे कैग को, ठीक है? एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, तो आप लोग द PSIR क्लब को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेगा इस। तो चलिए अब हम अपने इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड हम लोग देखिए टॉपिक नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 अप्रोचेस को कवर कर लिया था। नंबर 1 वॉज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोगों ने बात करी थी आपकी फेल जो थे, PHEL, ठीक है? फेल में आपका फिलोसॉफिकल था, एच में हिस्टोरिकल था, इन दो को कवर किया था। अब हम लोग करेंगे एम्पेरिकल और लीगल अप्रोच, ठीक है? तो आज हम लोग एम्पेरिकल और लीगल वाली अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आई होप गाइज ये आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड वी शुड बी स्टार्टिंग विथ एम्पेरिकल अप्रोच। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं एक फ्रेश पेज में, वी शुड स्टार्ट विथ अ फ्रेश फ्रेश पेज। एक सेकेंड मैं रब कर देता हूँ। यस, सो लेट्स नाउ बिगिन विथ एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच, मार्क चेंज कर, एम्पेरिकल अप्रोच। तो देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल? एम्पेरिकल वर्ड आप लोग ऑफन सुनते रहते हैं, क्या होता है एम्पेरिकल? ठीक है, तो देखो, एम्पेरिकल ऐसी चीज है, समथिंग विच कैन बी सीन, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, विच कैन बी टच्ड, ठीक है? दिख रहा है मुझे, ठीक है? सामने एक शेर खड़ा है, दैट इज एम्पेरिकल एविडेंस कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। समझो, ये बेसिक डेफिनेशन होती है एम्पेरिकल की। जब मैं कहता हूँ सर एम्पेरिकल एविडेंस दो, ठीक है, दैट इज क्लियर। अब खुद बताओ, क्या गॉड का एम्पेरिकल एविडेंस मिलता है? नहीं यार, गॉड का एम्पेरिकल एविडेंस मिलना इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है? सोल का एम्पेरिकल एविडेंस मिलता है? नहीं मिलता, ठीक है? तो एम्पेरिकल मीन्स समथिंग विच कैन बी सीन, समथिंग विच कैन बी ऑब्जर्व, समथिंग विच कैन बी वेरीफाइड, ठीक है? समझ में आ गया एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है, ठीक है? सो बेसिक फंडा क्या है एम्पेरिकल अप्रोच का, कि इट इज बेस्ड ऑन, बताओ भाई क्या है? इट इज बेस्ड ऑन वॉट? इट इज बेस्ड ऑन सर जी ऑब्जर्वेशन। वी कैन ऑब्जर्व द फिजिकल फिनोमना, वी कैन ऑब्जर्व द फिजिकल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोले कि सर इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया के बारे में बताओ, मैं कहूंगा ठीक है, जाओ हमारे देश में SC ST OBC इनके नाम पे वोटिंग होती है, गो टेक द डेटा एंड आपको मिल जाएगा, आप जाओगे फैक्ट्स वैक्ट्स देखोगे, मिल जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हमारे देश में जो इलेक्टोरल बिहेवियर है दैट इज वेरी मच कम्यूनल नेचर, पहले होता था, बट अब इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भी आपको मिल गया फैक्ट, सर पर इस बार इलेक्शन में जो हुई है जिसमें बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली है, इसमें तो उन्होंने हर ब्रांच से वोट मिला है, हर वर्ग से वोट मिला है, तो अब पैटर्न डाइल्यूट हो चुका है, ठीक है? सो दीज आर एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है? वी कैन गिव सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है? बट एक बात बताओ, क्या हम आइडियाज का एम्पेरिकल एविडेंस दे सकते हैं? क्या एम्पेरिकल एविडेंस, क्या हम आइडियाज का दे सकते हैं? ठीक है, क्या हम वैल्यूज का एम्पेरिकल एविडेंस दे सकते हैं? जैसे ऑनेस्टी हो गया, जैसे आपका ब्यूटी हो गया, ये सब आइडिया है यार। मैं आपसे कहूँ भाई ब्यूटी बताओ क्या होती है, अब आप कहोगे सर ताजमहल इज ब्यूटी। अरे मेरे भाई, ताजमहल एक एग्जाम्पल है ब्यूटी का, ठीक है? बट नॉट ब्यूटी एज एन सिंगल एंटिटी, समझ लो। तो उन आइडियाज को ऑब्जर्व कभी नहीं कर सकते, ठीक है? तो एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो मांगती है, इट इज बेस्ड ऑन, और वी कैन से इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स, ऑब्जर्विंग द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है, देन वी कैन कंक्लूड समथिंग, ठीक है? तो सबसे पहले किसने एम्पेरिकल जो अप्रोच को प्रमोट किया, तो ये भी अप्रोच मैकिवली ने ही प्रमोट करी। मैकिवली आया एंड इसने बोला कि भाई किंग को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक
ठीक है, एंड हिस्ट्री के साथ साथ, हिस्ट्री के साथ साथ वो इस ऑब्जर्वेशन पे यानी एम्पेरिकल अप्रोच पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, सराउंडिंग का देखो कैसे लोग हैं, ठीक है, कहता है ना इंसान ऐसा ही है, ऑब्जर्व करो, हरामी इंसान है, पीपल विल किल द किंग, समझो, सो यू शुड बी ऑब्जर्वेंट इन नेचर, एक अच्छा किंग अवेयर्ड रहता है, ठीक है, तो इसीलिए मैकेवली प्रपोज करता है एम्पेरिकल अप्रोच को अलॉन्ग विथ हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स द प्रिंस कि प्रिंस मत रहो आइडिया के वर्ल्ड में, Not to live in the world of ideas, ख्याली पुलाव मत बनाओ, reality को ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऐसा बोलता है, ठीक है, He wants the prince against living in the world of ideas. He suggests the prince, याद है हमने एक लाइन बोली थी, to look at things as they are, जैसी हैं वैसी चीज़ों को देखो, don't consider your ideal behavior या idealism को मत लाओ बीच में, ठीक है, ideas को मत लाओ बीच में, Look the reality, observe them, ठीक है, so look things as they are rather than how you want them to be, ठीक है, तो मैकेवेली का आप यहाँ पे example दे सकते हो, तो इसीलिए if Plato recommends philosophy, तो मैकेवेली represents observation, ठीक है, and Plato represents living in the world of ideas, therefore Machiavelli represents in the world of reality, ठीक है, तो दो extreme ends पे हैं, एक तरफ है Plato जो बोलता है भाई बिल्कुल ख्याली पुलाव बनाते रहो, ठीक है, idea, perfect idea of justice, perfect idea of state, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करता है, और Machiavelli एक तरफ बिल्कुल ultimate, brutal, real, कि भाई लोग कमी नहीं होते हैं, लोग मारते हैं, किंग को मारना चाहिए लोगों को, ठीक है, expand करना चाहिए, इस type की बातें करता है। अब एक बात बताओ, दो अलग अलग ends पे हैं, तो कोई तो ऐसा बंदा होगा कि भाई जो बीच की बातें कर रहा होगा, तो बताओ बीच की बातें कौन कर रहा है, तो हमने पढ़ा है गोल्डन मीन कौन से फिलोसोफर के लिए है, वो है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, कैसे, एरिस्टोटल अपनी जो थ्योरी है वो देता है, एंड वो जो अपनी थ्योरी है, अपनी थ्योरी के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, एंड इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में क्या बताता है, वो एम्फिसाइज करता है कि दोनों वर्ल्ड, एक तरफ आपकी आइडिया की वर्ल्ड एंड एक तरफ मैटर की वर्ल्ड, ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, यानी एक तरफ वर्ल्ड ऑफ बीइंग है, एक तरफ जो प्लेटो की वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, एक तरफ प्लेटो की वर्ल्ड ऑफ क्या है, परमानेंस है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ है वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, ठीक है, जो मैकेवेली को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो एरिस्टोटल प्रोवाइड्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये मत भी याद करो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेन चीज आपको ये याद होनी चाहिए कि भाई प्लेटो बता रहा है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड मैकेवेली बता रहा है वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को, ठीक है, तो इसीलिए हमें, अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर एक बार बताओ, हम जो एम्पेरिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन वाली, तो हम ये फिलोसफिकल अप्रोच प्लेटो वेटो को क्यों बात कर रहे हैं, सीधे मैकेवेली को आगे पढ़ो ना, तो मेरे भाई पहले आपको ये फिलोसफिकल हवा वाली बातें पढ़नी पड़ेगी ना, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, समझो, तो इस कंपैरिजन को पढ़ने के लिए हमें फिलोसफिकल अप्रोच को पढ़ना जरूरी था, समझो, तो एम्पेरिकल एविडेंस एम्पेरिकल अप्रोच सॉरी एग्जिस्ट ही तब करती है जब हम उसे रेफरेंस लें किसका, फिलोसफिकल अप्रोच का, तो फिलोसफिकल अप्रोच एंड एम्पेरिकल अप्रोच के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो जल्दी से देखते हैं फिलोसफिकल अप्रोच एंड एम्पेरिकल अप्रोच के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, एक तरफ सबसे पहले क्या है बताओ, फिलोसफिकल अप्रोच अभी तो पढ़ा, इट इज स्टडी ऑफ आइडियाज, तो उधर क्या है, स्टडी ऑफ फैक्ट्स, एक तरफ क्या है, यहाँ पे आइडियाज को कैसे स्टडी करते हैं, लॉजिक से, डायलेक्टिक से, बताओ मेरे भाई ये पढ़ चुके हैं, तो एम्पेरिकल अप्रोच को कैसे करते हैं, देख के, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, वेरीफाई करके, ठीक है, फिर उसके बाद जो फिलोसफिकल मेथड है ये हम कल पढ़ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मेटिव है, ये वैल्यूज पे फोकस करता है, जस्टिस, आइडियाज, लिबर्टीज, इक्वालिटी, नॉर्मेटिव होते हैं, ये आइडियाज प्रिस्क्रिप्टिव है, इसी का ही मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, प्रिस्क्रिप्टिव, मॉरल्स, नॉर्मेटिव्स, एथिक्स, इन सब पे फोकस करता है, जबकि ये जो एम्पेरिकल अप्रोच है ये डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करती है, ठीक है, कि व्हाट इट इज, ठीक है,
फिलोसफिकल अप्रोच वॉट ऑट टू बी पे फोकस करता है, कैसा होना चाहिए, एंड फिलोसफी एम्पेरिकल अप्रोच वॉट इज पे फोकस करता है. फिर फिलोसफिकल अप्रोच में होता है आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, एंड एम्पेरिकल अप्रोच में होता है आइडिया ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. फिर जो फिलोसफिकल अप्रोचेज है क्या वो चेंज ओरिएंटेड है, वो चेंज ओरिएंटेड है. याद है फिलोसफिकल अप्रोच जो हमने प्लेटो की पढ़ी थी, क्यों हम कहते हैं फिलोसफर जो प्लेटो इज वेरी रेडिकल, रातों रात चेंज करने की बात करता है, सिस्टम को फेंक के फिलोसफर किंग को बैठा दो, समझ रहे हो, रैंडम चेंजेस. जबकि एम्पेरिकल अप्रोच कहती है नहीं, स्टेटस क्वो बना रहना चाहिए. ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ स्टेटस क्वो, इट जनरली अवॉइड्स चेंज. और यार अगर चेंज चाहेगी भी तो बहुत ग्रेजुअल चेंज होगा, एंड जबकि फिलोसफिकल अप्रोच है फिलोसफिकल आइडिया आया कल लाओ, समझ लो कम्युनिज्म ऑफ लाइफ, अरे इतना रेडिकल आइडिया तुम कैसे दे सकते हो, समझो. तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सर एम्पेरिकल अप्रोच को हम साइंटिफिक अप्रोच भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो हम लोग सर यही सब कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, तो आप कह सकते हो सर एम्पेरिकल अप्रोच को साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं. नहीं भाई, थोड़ा सा देखिए इसमें अलग है. एम्पेरिकल अप्रोच में क्या करते हैं, हम सिर्फ चीज है ये और ये हम दूर से देखेंगे, वी विल जस्ट सी दिस, वी विल जस्ट ऑब्जर्व. ठीक है, इसके अंदर अब हम कोई अपना लॉजिक एक्सेट्रा एंड रूल्स रेगुलेशन को जनरलाइज करने का, इन द सेंस कोई रूल्स लॉज ये सब नहीं करेंगे, वी विल जस्ट ऑब्जर्व. ठीक है, एंड अपना मस्त चले जाएंगे. ठीक है, हम लोग इसमें कुछ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. अच्छा इसको देख लिया, अब चलो यहां जाके ये भी देखते हैं, अब जाके यहां देखते हैं, अब और जगह पे जाके टेस्ट करते हैं. नहीं नहीं, जब ये सब करने लग गए तो दिस बिकम्स साइंटिफिक. मतलब साइंटिफिक अप्रोच में हमने जो देखा है उसको वेरीफाई करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको अलग अलग जगह पे देखेंगे, एंड बहुत सारी कैलकुलेशंस करके वी विल ट्राई टू अचीव कि भाई कुछ जनरल चीज मिल जाए, कुछ लॉ मिल जाए, ताकि मैं हर केस में चिप दूं. ठीक है, तो जो एम्पेरिकल अप्रोच है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, दैट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम बायसनेस. ठीक है, क्योंकि भाई आपने बिल्कुल वेरीफाई करा, आपने अलग अलग जगह पे जा जाके एक्सपेरिमेंट करा, तो आप जो दे रहे हो वो जनरल चीज है, उसमें कुछ आपका सब्जेक्टिवपन नहीं है. बट जो एम्पेरिकल अप्रोच है वो भाई इट कैन बी अ बिट बायस्ड. क्यों, आप खुद बताओ. बहुत साल पहले क्या होता था, कुछ ऐसे चीज मतलब मीम्स चलते थे कि व्हाट मीडिया, व्हाट रियलिटी इज एंड व्हाट मीडिया शोज, समझ लो. तो दो एंगल दिखाता है सेम चीज. अब देखो खुद बताओ, जैसे एक बंदा इसको ऐसे मानो, आप ये बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं. इस समय पृथ्वी, इस समय आप बताओ रेस्ट पे हो, मोशन पे हो, और आप लोग बैठे हुए हो, तो आप लोग कहोगे सर हम तो रेस्ट पे हैं क्योंकि हम आपका बैठ के लेक्चर लैपटॉप पे देख रहे हैं. बट मैंने कहा भाई गलत है, अगर मैं मून से देख रहा हूँ आपको तो आप कहोगे अरे हाँ सर पृथ्वी घूम रही है, आप लोग मोशन पे हो, समझ लो. तो एम्पेरिकल अप्रोच डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस, समझ लो. हो सकता है उस टाइम आपको कुछ और दिखा एंड फिर सिचुएशन चेंज हो जाए, कल को किसी और को कुछ और दिखे, तो समझो. तो इसीलिए इट इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ बायस्ड. बट साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, आपने हर जगह पे उसे ऑब्जर्व करा, हर जगह आपने वेरीफाई करा, हर जगह आपने एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल सच कर दिया, तो इट इज नॉट दैट बायस्ड. ठीक है, तो इसीलिए साइंटिफिक जो अप्रोच होती है उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज कर पाओगे. ठीक है, एंड इसीलिए ऐसी रिसर्च को वैल्यू न्यूट्रल कहते हैं. ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल, इट इज फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट्स ऑफ बायसेस. ठीक है, फिर देखिए एम्पेरिकल अप्रोच के कौन बहुत सपोर्टर हैं, अगर मॉडर्न में बात करें हु आर द स्कॉलर्स, तो जॉन लॉक, ठीक है ये आप नोट कर सकते हैं, जॉन लॉक इज अ सपोर्टर ऑफ एम्पेरिसिज्म, एंड ये जो सोक्रेट्स और प्लेटो इनके आइडियाज हैं इनको सपोर्ट नहीं करता है, मतलब ये एम्पेरिज्म को सपोर्ट करता है ओवर सोक्रेट्स आइडिया और सोक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज. ठीक है, जो उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज है, थ्योरी ऑफ आइडियाज है, ठीक है, इन सब से इनको सपोर्ट से ज्यादा वो जॉन लॉक एम्पेरिज्म को, ऑब्जर्वेशन को ज्यादा सपोर्ट करता है. ठीक है, वो ये व्यू रिजेक्ट करते हैं कि भाई नॉलेज जो है अंदर ह्यूमन सोल में इम्प्रिंटेड है. ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी ऑफ नॉलेज यही तो बोलती है, अपने अंदर देखो, अपने अंदर क्वेश्चन करो, अपनी सोल सर्चिंग करो, ऐसी बात करती है. जॉन लॉक कहते ना भाई मैं तो ना मान रही है. ठीक है, अब जॉन लॉक फिर अपना आइडिया क्या देते हैं, तो जॉन लॉक कहते हैं देखो भाई अगर तुमको नॉलेज चाहिए तो बाबा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस. ठीक है,
एक जो नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है वो ट्रू नॉलेज होती है, ठीक है. सो फॉर जॉन लॉक एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ क्या, नॉलेज. एंड इनका मानना है कि भाई जो हमारा माइंड है या कोई एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ चाइल्ड का माइंड, वो एक टेबुला रासा है. टेबुला रासा मतलब ब्लैंक स्लेट है. ये देखो ब्लैंक स्लेट. अब इस पे क्या, जो जो ये चाइल्ड का माइंड है, सपोज करो चाइल्ड है, इसका माइंड है, ये जैसी जैसी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, सपोज करो इसे बहुत कोई अच्छे लोग मिल गए तो ये कहेगा वाह यार लोग कैसे लविंग है, ठीक है, लोग बहुत अच्छे हैं. इसकी जो पहली गर्लफ्रेंड बनी, ठीक है, वो भाई बेकार निकल गई, तो वो क्या को कुछ कंक्लूड कर लेगा, ठीक है, समझ लो. तो जैसे जैसे आपको लोग मिलते जाएंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, आपको दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत हरामी लोग मिलेंगे, आपको दुनिया हरामी है, सिंपल. तो यही जॉन लॉक कहते हैं कि माइंड इज अ टेबुला रासा, इट इज कंप्लीटली ब्लैंक चिट स्लेट, ठीक है. वट एवर ह्यूमन लर्न्स, ही लर्न्स फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन, ही लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, एंड यही इसके माइंड पे इम्प्रिंट करते हैं नॉलेज, ठीक है, एंड बस नॉलेज आ जाती है, समझो. तो ये मेन चीज है एम्पेरिकल का. एम्पेरिकल का मतलब है हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, हम कुछ चीज़ें देखते हैं, हम कुछ चीज़ें फील करते हैं, एंड उसके बेस पे हम लोग लॉजिक को डिराइव करते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एम्पेरिकल अप्रोच क्या कहती है, ठीक है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक. ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है. हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम आपको कुछ दिख गया, ठीक है. अब खुद बताओ, आप एक बंदे से मिले, उस टाइम उसका बैड फेस दिख रहा था, बट 99% टाइम वो गुड है, तो आप तो यही कहोगे ना भाई ये तो 1% बंदा सही नहीं है, मतलब ये तो 100% आप कहोगे बेकार आदमी है, बट मेरे भाई 99% टाइम्स वो अच्छा था, ठीक है. तो जो दूसरा बंदा मिला वो तो यही कहेगा भाई ये तो बहुत अच्छा बंदा था, समझो. सो एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, एंड जो आइडियलिज्म है उसको रिजेक्ट करते हैं, आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं, सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज को रिजेक्ट करते हैं, एंड जो ये चाइल्ड का माइंड है टेबुला रासा का, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड एक्सपीरियंस इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड ऐसे लोग को बोला जाता है गाइस एम्पिरिसिज्म, जो बिलीव करते हैं कि द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज इज आवर एक्सपीरियंस. एंड एक्सपीरियंस कैसे आता है, जब हम लोगों को मिलते हैं, जब हम लोग चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जब हम चीज़ों को सुनते हैं, व्हेन वी गिव एम्पिरिकल एविडेंस, दिखने वाला एविडेंस, ठीक है, तो बस हम मानते हैं, ठीक है. तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हमने एम्पिरिकल अप्रोच को डिस्कस किया, एंड कैसे ये जो अप्रोच है ये डिफरेंट है किससे मेरे भाई, ये आपकी साइंटिफिक अप्रोच से कैसे डिफरेंस है, कैसे जो आइडियलिज्म है या फिर आप कह सकते हो फिलोसफिकल अप्रोच जो हमने पहली वाली डिस्कस करी, तो उससे हमने देख लिया, ठीक है. फिर इसके हमने प्रोपोनेंट के बारे में बात कर ली, जॉन लॉक, ठीक है, एंड ओरिजिनेटर जो था वो मैकिवली था, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली. अब भाई बात आती है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन इज सेम एज बिफोर कि भाई नो अप्रोच इज परफेक्ट, ठीक है, द अप्रोच विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन व्हाई वी आर रिसर्चिंग, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, एंड हेंस द बेस्ट अप्रोच इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस, ठीक है. तो आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है. आई होप गाइस ये सब आप लोग लिख पाओगे, ठीक है. फिर आप देखो अब अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई इस अप्रोच के फ्लॉज बताओ, तो अभी तो हमने फ्लॉज डिस्कस किए, साइंटिफिक अप्रोच देख लो, साइंटिफिक अप्रोच बताओ इसका फ्लॉ है नहीं, बिल्कुल है भाई. साइंटिफिक अप्रोच ये तो बोलती है कि भाई कुछ केसेस में तो ये वाली अप्रोच सही हुई, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायसनेस था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी थी, बट साइंटिफिक अप्रोच आती है वो कहती है नहीं भाई हम तो कंप्लीट रैशनल है, ठीक है, तो वो जनरल अप्रोच होती है. तो इस टाइप से आप इसकी काइंड ऑफ क्रिटिसाइज कर सकते हो जब आए क्वेश्चन में, ठीक है. तो इस तरीके से हम चीज़ें को लिख सकते हैं, ठीक है. अब देखो सेम गोज फॉर आइडियलिज्म अप्रोच से भी हम लोग इसकी फिलोसफिकल अप्रोच से भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं. कैसे कि भाई ये वाली जो अप्रोच है ये आइडियाज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. क्या आइडिया ऑफ ब्यूटी बता सकते हो, क्या आइडिया ऑफ जस्टिस बता सकते हो, समझ लो. इन आइडियाज़ के लिए तो अगेन यू हैव टू गो बैक टू फिलोसफिकल अप्रोच, समझ लो. सो समझ लो ना, दिस कैन नॉट बी द सोल अप्रोच. आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो अगर ये चीज़ आई है तो हम आगे बढ़ते हैं, एंड अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है नेक्स्ट अप्रोच, जो फोर्थ पार्ट है वो लीगल अप्रोच है, ठीक है. अब देखिए लीगल अप्रोच को अगर वन लाइन में आपको बताना चाहूँ तो लीगल अप्रोच इज बेसिकली अबाउट स्टडिंग द लीगल सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है. तो इस टाइप से ये हम पढ़ सकते हैं. तो इसको असली में जब मजा आएगा पढ़ने में, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे,
ठीक है, तो वहां मैं आपको इसका और अच्छे से इनडेप्थ एनालिसिस करवाऊंगा। तो अभी के लिए लीगल अप्रोच को आप लोग, हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं कि लीगल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना, वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना, यही बात कहती है। बट इसको जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक सेपरेट अप्रोच है, वहां लिखा हुआ है लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, तो इसको तब हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। सो डोंट वरी गाइज, लीगल अप्रोच हम पहले से कर चुके हैं, बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसको दोबारा उठाएंगे, तब हम इसको वहां पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग देखिए जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल बी स्टार्टिंग विद, हमने अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच सारी खत्म कर ली है, नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद इज मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को स्टार्ट करेंगे एंड उसमें विल बी स्टार्टिंग विद बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इसमें घुसेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल 11 बजे एक घंटे की क्लास है ऑन अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उसमें हम लोग कैग पढ़ेंगे, ठीक है, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो प्लीज़ डू अटेंड, स्टैट्यूटरी बॉडीज पे क्लास है, ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस एज वेल एज फॉर PSIR ऑप्शनल। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन सी यू टुमारो एट 11 AM शार्प। ठीक है, तो आप लोग आ जाना, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड PSIR क्लब पे भी, मैंने वहाँ पे जो अपना टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे भी लिंक डाल दूंगा। तो चलिए देन, मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।